तो विधानसभा का बजट सत्र आज और विधानसभा में सीएम गहलोत का रिप्लाई है। उससे पहले महेंद्र चौधरी को आप सुन रहे थे और आपको बता दें जब आप आज सीएम गहलोत रिप्लाई देंगे तो 5 बजे विधानसभा में ये प्रत्युत्तर देंगे। राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयकों पर ये प्रत्युत्तर देंगे सदन में। राजस्थान विनियोग संख्या 2 बिल 2022 रखा जाएगा। राजस्थान वित्त विधेयक 2022 बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा और आज 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे जाएंगे। तो महत्वपूर्ण क्योंकि आज सीएम गहलोत जो हैं वो रिप्लाई देंगे तो आज का सत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसके साथ ही क्योंकि 11 बजे से ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी, विधानसभा की प्रश्नकाल के साथ ये कार्रवाई शुरू होती है और बहुत सारे जो प्रश्न हैं वो रखे भी जाते हैं। और इसी के साथ अगर आज की बात कर रहे हैं तो राजस्थान वित्त विधेयक 2022 बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा, वहीं 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे जाएंगे। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जिसमें किसी महत्वपूर्ण जो मुद्दे जिन पर ध्यान आकर्षित किया जाए उसको लेकर ये प्रस्ताव रखा जाएगा। तो 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे जाएंगे, वहीं आज सीएम गहलोत का रिप्लाई है तो ये सबसे ज्यादा आज विधानसभा में महत्वपूर्ण रहने वाला है। हालांकि 11 बजे से जब ये कार्रवाई शुरू हो जाएगी तो प्रश्नकाल के साथ ये शुरुआत होगी और उसके बाद 5 बजे सीएम जो है वो अपना जवाब देने के लिए पहुंचेंगे। 5 बजे विधानसभा में प्रत्युत्तर देंगे और राजस्थान वित्त एवं विनियोग विधेयकों पर ये प्रत्युत्तर देंगे क्योंकि लगातार सीएम जो है वो चाहे जब बजट घोषणा की हो, उसका बजट का जवाब दिया हो, जब भी सीएम विधानसभा में बोले हैं घोषणाएं उन्होंने की हैं और आज भी ये उम्मीद की जा रही है कि आज जब सीएम जवाब देंगे तो कई जो घोषणाएं हैं वो आज सीएम कर सकते हैं। तो सदन में राजस्थान विनियोग संख्या 2 बिल 2022 रखा जाएगा। इसके अलावा राजस्थान वित्त विधेयक 2022 बिल सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके साथ ही 2 ध्यान आकर्षण प्रस्ताव रखे जाएंगे। तो आपको बता दें बजट आया उसके बाद से ही लगातार जो पक्ष है यानी कि सरकार जो है वो सरकार के मंत्री हों चाहे विधायक हों वो लगातार इस बात को बोल रहे हैं कि बजट इतना बेहतरीन मुख्यमंत्री ने पेश किया है कि विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। और उसके बाद से ही जब अब ये विधानसभा का सत्र जारी है ऐसे में प्रश्नकाल में कई प्रश्न पूछे भी गए, कई प्रश्न जिनके जवाब मंत्री दे भी पाए और कई ऐसे प्रश्न जिनके जवाब मंत्री या विधायक नहीं दे पाए, उन तमाम चीज़ों को हम लगातार आपको दिखाते रहे। और आज का दिन खास इसलिए हो जाता है क्योंकि सीएम गहलोत आज अपना जवाब देंगे और इस दौरान कई घोषणाएं भी वो कर सकते हैं। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं। योगेश जी, आज सीएम गहलोत 5 बजे प्रत्युत्तर देंगे, इसके अलावा क्या कुछ खास रहने वाला है? और साथ ही साथ क्योंकि सीएम प्रत्युत्तर देंगे तो इसमें कई घोषणाएं भी हो सकती हैं। देखिए आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रिप्लाई और आज यही आत्मशंका केंद्र रहेगा कि क्या कुछ वो आज अपने जादुई पिटारे से राजस्थान को और क्या सौगातें देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस तरह का बजट पेश किया उसको लेकर चौमौर चर्चा है। तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि अब तक की जो कटौती प्रस्ताव आए अलग अलग डिमांड्स को लेकर जिस तरह की बहस सदन के अंदर दिखी, बहुत ही सार्थक चर्चाओं का दौर चला। तो ऐसे में आज जब मुख्यमंत्री का बजट पूरी तरह आज पारित हो जाएगा उनके द्वारा पेश किया गया बजट और आज जब वो डिमांड्स पर रिप्लाई देंगे कुछ नई घोषणाओं का आगाज किया जा सकता है, कुछ नई बातें सामने रखी जा सकती है। तकरीबन 5 बजे के लगभग मुख्यमंत्री गहलोत अपना रिप्लाई देंगे, उससे पहले लीडर व अपोजिशन भी अपनी बात रखेंगे। गुलाब चंद कटारिया भी अपनी बात विपक्ष की ओर से रखेंगे और उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रिप्लाई सामने आएगा। सदन की कार्रवाई 11 बजे शुरू होगी, प्रश्नकाल के में जो प्रश्न लगे हैं उन पर मंत्री जवाब देंगे और उसके बाद कहा जा सकता है स्थगन की बारी आती है शून्यकाल में और फिर उसके बाद विधायी कार्य संपन्न कराए जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी जानकारी के लिए।